लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। आज दोपहर को राष्ट्रपति कोविंद ने गुजरात में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं अधिक मजबूती हासिल कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतांत्रिक के प्रमुखों के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। भारतीय संस्थान उस समय अधिक ताकत हासिल कर रहे हैं जब दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय प्राचीन पुस्तकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी प्रतिभागी पीठासीन अधिकारियों को संविधान दिवस पर संवैधानिक जिम्मेदारी के बारे में सोचने का आह्वान किया। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शपथ लेने की भी अपील की। हम सब जानते हैं कि देशवासियों ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत व आत्मार्पित किया था। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम सभी देशवासियों के लिए संविधान दिवस का एक विशेष महत्व है। आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया है। हमारे यहाँ वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला, जो वर्तमान में बिहार राज्य के क्षेत्र हैं, जैसे अनेक गणतंत्र अस्तित्व में थे। इस प्रकार भारत को वास्तव में गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया। संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया। असाधारण विवेक के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया।